तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैलसी में गायनी वार्ड के डॉक्टर्स की मनमानियां, हामला खातून को वार्ड से बाहर निकाल दिया। तफसील के मुताबिक मैलसी के इलाके ढमकी की रिहायशी खातून आयशा को जख्मी के लिए तहसील अस्पताल मैलसी लाया गया। पेट दर्द का इंजेक्शन लगाया गया और कहा कि इस मरीजा को यहाँ पर लिटा दो। दो घंटे गुजरने के बाद आयशा को देखने के लिए डॉक्टर मरियम इफ्तखार ना पहुंची। मरीज आयशा ने अपने भाई को कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, तो आयशा का भाई जब कमरे में गया तो डॉक्टर मरियम इफ्तखार ने गालियाँ दी और कहा कि मेरे कमरे से निकल जाओ, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूंगी। गायनी वार्ड के डॉक्टर्स के नारवा और हितकामेस लोग पर महकमा सेहत के आला हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बद इंतजामी और जालमाना सलूक का यह पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी आए रोज ऐसे वाकयात का होना मामूल की बात है और ये वाकयात मीडिया की तरफ से भी मतवातर रिपोर्ट होते आ रहे हैं। संजीदा समाजी और अवामी हलकों ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि ऐसे वाकयात का सदेबाब किया जाए। हम तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहते, लेके चले जाओ इधर से। हमें कोई कुछ भी नहीं किया, हमने अपनी उठाया और रुबीना डॉक्टर के पास गए। ये रुबीना सरकारी है? नहीं, प्राइवेट। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमने कहीं से पैसे लिए, 6,000 भी उधर लगवाया है। फिर केस करवाया, 10 दिन लगे केस के बाद, बच्चे के देर के बाद पानी पड़ गया पेट में। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ना? जी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये इनके साथ कार्रवाई करिए। वज़ीर आज़म के साथ।